बैक टू दिशाज हब। आज दिशाज हब में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए दिवाली फेस्ट, जो कि हम करण के स्कूल में गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्टॉल्स लगाए थे और खाने पीने का सामान टीचर और बच्चे मिलकर किए थे, और जो उससे जो भी उनका बेनिफिट होगा उन्होंने बोला कि हम वो ऑर्फेनेज में दे देंगे, या मतलब ऐसा अनाथ आश्रम में कहीं पर भी हम देंगे करके, चैरिटी में, एज अ चैरिटी हम वो सब दे देंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, और सारे बच्चे और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो आइए, इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ, और बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अपना ढेर सारा प्यार दोस्तों इसी तरह देते रहिए। आज की जो है ब्लॉग हमारी दिवाली फेस्ट की रहेगी। आप, आशा करती हूँ कि आप एंजॉय करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा दिशाज हब में अगर आप न्यू हैं। यही कहना चाहूँगी कि दिशाज हब में अगर आप न्यू हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज के व्लॉग आप एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती होगी, और आप बहुत मतलब अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं फिर। ब्लर क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं करण के स्कूल। ये देखिए, करण का स्कूल है एडुकोन इंटरनेशनल स्कूल, जो कि पानेर में है। और अभी टीचर्स लोगों की स्टॉल है, देखिए केक का स्टॉल है, पानीपुरी का है, आगे और भी बहुत सारे स्टॉल्स आएंगे। कूपन सिस्टम रखा था इन लोगों ने, कि मतलब, और इतना रिजनेबल रेट था सबका, केक 10-10 रुपीज़ में, मावा केक, बहुत ही अच्छा था। इनका मेन मोटिव यही था, चैरिटी, लोगों को, बच्चों को जो भी इससे आएगा इनकम वो बच्चों को देना है। तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने कुछ क्राफ्ट रखा था, आर्ट एंड क्राफ्ट, और बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये देखिए, यहाँ पर टैटू मेकिंग है, टीचर्स लोग टैटू बना रहे हैं, कुछ 10-10 रुपीज़, 20-20 रुपीज़ में टैटू बना रहे थे, अच्छा था। और ये गेम्स देखिए, कार्ड गेम्स, बच्चे लोग एंजॉय करवा रहे थे, छोटे छोटे चॉकलेट्स दे रहे थे, मतलब जीतने जो विनर था उनको, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। अब कुछ टीचर्स ने यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचरों को गेम्स खिलाया, फिर उसके बाद थोड़े से सॉन्ग्स पे डांस करवाया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हमने भी कुछ गेम्स खेला, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा खाया, पास्ता लिया, मतलब रेट काफ़ी बहुत रिजनेबल था। पानी पूरी खाया, 30 रुपीज़ पर प्लेट था, और बाहर तो बहुत महंगे मिलते हैं पानी पूरी, 50-50 रुपीज़ के। और मतलब ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह में मैं बोल रही हूँ, वैसे नॉर्मली तो 30 में ही मिलता है, बट एग्जीबिशंस में कभी हम स्टॉल्स में अगर खाने जाते हैं तो वहाँ का काफ़ी फेयर कॉस्टली होता है। और यहाँ के टीचर्स लोग, सर लोगों ने बच्चों को काफ़ी एंटरटेन किया, डांस करवाया, पेरेंट्स को भी उनके साथ साथ डांस करवाया। और ये करण की हिंदी टीचर हैं, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं ये भी। और इन लोगों का पास्ता का स्टॉल था, हमने इनसे पास्ता लिया, 30 रुपीज़ प्लेट था पास्ता, अच्छा था, काफ़ी अच्छा बना था पास्ता भी, हमने पास्ता एंजॉय किया। और उसके बाद हमने कुछ गेम्स खेला, गेम्स एंजॉय किया, फिर ये बच्चों को जो सर डांस करवा रहे, मज़ा ही आ गया। अच्छे अच्छे म्यूजिक थे, मैंने इसमें म्यूज़िक साइलेंट कर दिया, क्योंकि हमेशा कॉपीराइट लग जाता है, थोड़ा सा भी म्यूज़िक हो उसमें भी कॉपीराइट लग जाता है, तो फिर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने उसका भी म्यूज़िक एकदम साइलेंट कर दिया है। उसके बाद कैरियोके भी रखा था इन लोगों ने, जिन्हें मन करे वो मतलब सॉन्ग के ऊपर वो गा सकता है, इन्होंने भी गाया। ये टैटू बना रही थी, शायद स्कूल की कोई होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट बच्चों को टैटूज़ में मैंने इनको देखा था बनाते हुए, तो इन्होंने कैरियोके में गाया, और भी काफ़ी लोगों ने गाया, तो वो भी हमने अच्छा एंजॉय किया, उसमें भी मज़ा आ गया।
बस दोस्तों इसी तरह हमने नाचते खेलते झूमते खाते पीते बहुत ही अच्छा दिवाली फेस्ट मनाया। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स के साथ ओनली ऑन दिशा सब पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे मेरे रील्स तो आएंगे ही, तो चलिए दोस्तों इन एडवांस दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स के साथ।